लखनऊ के स्ट्रीट फूड पार्ट 2 में आपका सबका स्वागत है और इस वीडियो में आज हम एक्सप्लोर करने वाले हैं यहाँ के छोटे से स्ट्रीट फूड को लेकर बड़े और पुराने स्ट्रीट फूड जो कि लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। और हाँ, अगर आप कभी लखनऊ आने का प्लान कर रहे हैं तो ये आपके लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं लखनऊ के जायके का सफ़र, आइए मेरे साथ। लखनऊ में सबसे ज़्यादा अगर रौनक होती है ना तो वो है शाम के टाइम। बेस्ट रहेगा कि अगर आप शाम को निकले स्ट्रीट फूड कवर करें और जो वहाँ की मार्केट है रूमी गेट के पास, वहाँ का स्ट्रीट फूड है वो भी कवर करें। वैसे हम आ गए हुए हैं रूमी गेट के पास ही, बिल्कुल एक जगह है जहाँ घंटाघर है और वहीं पर हमें ना एक भैया मिले जो कि कुछ ऐसे समोसे बना रहे थे जो शायद ही आपने कभी खाए होंगे। ये समोसे बहुत ही ज़्यादा छोटे थे तो इसीलिए इन समोसों का हमने नाम दिया है मिनी समोसा। और इनका प्राइस सुन के तो आप और भी हैरान होने वाले हैं। ये है एक समोसा सिर्फ तो सिर्फ 2 रुपए का। अभी हम यहाँ से निकल रहे थे तो बिल्कुल घंटाघर के पास ही एक भैया बैठे हैं यहाँ पे और ये बना रहे हैं काफ़ी ज़्यादा छोटे समोसे। मैंने आज तक इतने छोटे समोसे अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखे। और ये देखो, ये समोसा है, आप देख रहे हैं इसका साइज मेरी उंगली जितना है, बिल्कुल छोटा है। और साथ में इन्होंने चटनी दी है, ये चटनी है, बढ़िया सी चटनी है, इसको ट्राई करते हैं। बहुत बढ़िया। बीच में इन्होंने आलू की स्टफिंग की हुई है, जैसे बड़े समोसे होते हैं वैसे ही बिल्कुल इतने इतने छोटे समोसे हैं। कभी भी आ रहे हो यहाँ पे पक्का ट्राई करना। इस टाइम बहुत ज़्यादा रश है, शायद ईद हो, अभी 21 को ईद थी, शायद उस वजह से है, पर बहुत ज़्यादा रश है। कभी भी आप आ रहे हो यहाँ पक्का आना और ट्राई करना इनके छोटे मिनी समोसे, मतलब बहुत बढ़िया है। और 2 रुपए का एक समोसा है यहाँ पे, तो सिर्फ 2 रुपए का एक समोसा, ये देखो। ज़्यादा गर्मी है तो हम थोड़ा रुके थे यहाँ पे रूमी गेट के बिल्कुल पास ही। यहाँ पे मैंने कहा चलो थोड़ा सा ठंडा ठंडा नींबू पानी बांटा सोडा पी लिया जाए। वाह, कितना रिफ्रेशिंग है, बहुत रिफ्रेशिंग है। अगर अभी तक आपने जाके सब्सक्राइब नहीं की है तो जाके सब्सक्राइब कर दीजिए। आपकी जो दोस्त है सूर्या बहुत मेहनत करती है, अभी भी सड़कों पे घूम रही हूँ मैं, कब से निकली हूँ, इवन 12-24 घंटे हो गए, प्रॉपर नींद नहीं ली है क्योंकि आते टाइम आपने देखा बस में क्या हालत हुई थी। नींद तो बिल्कुल पूरी नहीं हुई, बुरी हालत हो गई, पर कोई बात नहीं, यही मेरा काम है, कंटेंट बनाना आप सबके लिए, जो कि मुझे भी खुशी देता है, आपको भी खुशी दिखता है। तो चलो फिलहाल पीते हैं, ज़्यादा बातें नहीं करते हुए। ऐसा तरुण है जो मुझे लेके जा रहे हैं यहाँ पे। तरुण इज अ वेरी शाय बॉय। सो चलो अब हम जाने वाले हैं कुल्फी खाने, पर ये कोई ऐसी वैसी कुल्फी नहीं है, बहुत ज्यादा पुरानी शॉप है और बहुत ही फेमस और लोगों की वन ऑफ द फेवरेट। ये है प्रकाश की मशहूर कुल्फी और ये फंक्शनल है 1956 से। पहले यहाँ पे बिल्कुल जी मार्केट होती थी, सब लोग यहाँ हमारे रोड पे लगाते थे, फिर तो टाइम धीरे धीरे मार्केट बनी, शॉप बनी, फिर अब 5 दुकानों की एक दुकान है, फिर अब हमारी इसके अलावा लखनऊ में 3 और ब्रांचेस भी हैं। फिर टाइम फ्लेवर कुल्फी के रखते हैं, अभी मैंगो कुल्फी भी है जैसे, और 2-3 दिनों में और भी फ्लेवर अवेलेबल हो जाएंगे। और अच्छा यहाँ पे एक ही कुल्फी है, एक ही हम आइटम रखते हैं कुल्फी, केसरिया बादाम पिस्ता कुल्फी अलॉन्ग विद डिफरेंट फ्लेवर्स इन द समर सीजन, फ्रेश फ्रूट चीकू और ब्लूबेरी, पान, रोज़, मैंगो,
तो अभी हम ट्राई करने वाले हैं यहाँ की केसर बादाम पिस्ता कुल्फी। और यहाँ के रश को देख के ऐसा लगता है कि यहाँ के लोग इस जगह को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। वैसे अभी लग रही है हाफ प्लेट कुल्फी की, और इसमें अब डाला जा रहा है फालूदा। फालूदा ऐड करने के बाद इसमें ऐड किया जा रहा है रोज़ वाटर, जिससे इसका जो फ्लेवर है ना वो और बढ़ जाएगा। बहुत ज़्यादा टेस्टी है, बड़ा ज़्यादा थिक है। कुल्फी जो है केसर बादाम पिस्ता हमने ऑर्डर किया है, और क्या कुल्फी है, मज़ेदार। जैसे भैया ने बताया 1956 से ये शॉप चल रही है, और 150 जो है फुल इसका प्राइस है और वर्थ है, बहुत बढ़िया। फुल मंगाई थी पर हमें हाफ ऑफ करके दे दी उन्होंने। अगले दिन हम आ गए शर्मा जी की चाय पीने, जो कि है 74 इयर्स ओल्ड शॉप। जी हाँ, और यहाँ पर मिलती है एक ऐसी चीज जो आपने कभी भी कहीं नहीं खाई होगी, और उसी चीज को खाने सुबह लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए। तो गाइज अभी हम आए हुए हैं, सुबह का टाइम है और ब्रेकफास्ट का आज हम बना रहे हैं। तो सबसे पहले हम आए हुए हैं शर्मा जी की चाय पीने। तरुण ने बहुत तारीफ की है इनकी कि बहुत फेमस है और बहुत रश होता है, बहुत लोग आते हैं। कुल्हड़ में चाय देते हैं आप, ये देखिए चाय तो आ गई हमारी, बहुत ही बड़ा कुल्हड़ है। और यहाँ की खासियत ये है कि ये बनाते हैं गोल समोसे, मतलब आज तक हमने जो भी समोसे खाए हैं, हाँ ये देखिए ये बिल्कुल गोल समोसा है। पहला ही ऐसी शॉप है जो गोल समोसे बनाते हैं, आपको भारत में कहीं नहीं मिलेगा कि कुछ ऐसा समोसा अगर आपको मिलेगा। तो कुल्हड़ चाय का प्राइस है वो है 30 रुपये, और साथ में जो गोल समोसा है उसका प्राइस है 20 रुपये। बन समोसा भी मिलता है पर अभी हम वो ट्राई नहीं कर रहे हैं, सिर्फ गोल समोसे पे ही हमारा फोकस है। तो क्या करते हैं, देरी नहीं करते हैं और जल्दी से ट्राई करते हैं इनकी कड़क चाय, कुल्हड़ चाय और साथ में ये गोल समोसा। बहुत बढ़िया टेस्ट है इसका, जो समोसे की स्टफिंग है ढेर सारे मसाले ऐड किए गए हैं उसमें, बड़ा मसालेदार फ्लेवरफुल बन गया जिसकी वजह से बढ़िया है, टेस्टी है। आज तक ऐसा समोसा मैंने कभी ट्राई नहीं किया है, बहुत समोसे खाए होंगे, इवन हमने कल छोटे समोसे भी खाए पर ये वाला समोसा पहली बार देख रहे हैं। इसका रंग अंदर से बिल्कुल ग्रे है, इतने मसाले ऐड किए गए हैं। बढ़िया, चाय जो है चाय ठीक लगी मेरे को, पर समोसा बहुत बढ़िया है। चाय बिल्कुल नॉर्मल है, आम चाय की तरह कड़क चाय एकदम। आप देख सकते हैं कि कितने लोग सुबह यहाँ पर आए हुए हैं स्पेशल इनकी चाय और समोसा खाने। अभी सुबह के 7:30 ही बज रहे थे और फिलहाल हम यहाँ से आगे निकलने लगे हैं। अभी हम हैं हज़रतगंज में, और यहाँ आके ऐसा लग रहा है कि हम दिल्ली के सीपी आ गए हैं। बहुत बढ़िया बिल्डिंग्स हैं, एकदम साफ़ सफाई, और अभी तो सुबह का है टाइम, तो ज़्यादा भीड़ भी नहीं है। अभी हम जाने वाले हैं वाजपेयी की पूरी सब्ज़ी खाने के लिए, तो चलिए चलते हैं। वाजपेयी कचौड़ी भंडार है लखनऊ का वन ऑफ द फेमस कचौड़ी स्टॉप। अगर आप कचौड़ी लवर हैं और अगर आप स्पाइसी कचौड़ी पसंद करते हैं तो ये जगह आपके लिए है। और सुबह कोशिश करिएगा कि सुबह आ जाइए, क्योंकि इनका कहना है कि इसके बाद सुबह के बाद रश बढ़ता है और यहाँ पर लाइन लग जाती है। इनकी इतनी डिमांड थी कि एक के बाद एक करके लोग वहाँ आ रहे थे, कुछ वहाँ बैठकर खा रहे थे और कुछ जो है जिनके पास समय की कमी थी वो वहाँ से पैक करा के अपने साथ ही ले जा रहे थे। तो चलिए जल्दी से ट्राई करते हैं इससे पहले कि हम लेट हो जाएं इसको ट्राई करने में।
मसाले ऐड किए हुए हैं इसमें इन्होंने, मसालेदार एकदम आलू जो है, और पूरी तो है ही क्रिस्पी एकदम, पर जो आलू है उसमें अच्छे खासे मसाले एकदम मसालेदार बनाए गए इसको, साथ में उन्होंने मिर्ची भी दी है और साथ में प्याज के छल्ले बना के प्याज दिए। गर्मी बहुत हो रही है यहाँ पे, तभी भी हम लखनऊ आने का प्लान कर रहे हैं, तो कोशिश करिए कि सर्दियों में आए। मुझे बहुत लोगों ने बोला कि अभी मत जाइए, बहुत गर्मी है, पर जितनी उम्मीद थी उससे थोड़ी सी कम है, पर हाँ गर्मी है, तो कभी भी आ रहे हैं तो कोशिश करिए अगर सर्दियों में आए, या गर्मी शुरू होने से पहले आ जाए, वैसा कर लीजिए। तो फिलहाल हम ये खाते हैं अपनी पूड़ी और सब्जी। तो गाइज ये थे कुछ ऐसे लखनऊ के जायके जो शायद मैं अगली बार भी जाऊँ तो एक बार फिर खाना पसंद करूँगी। आप कमेंट करके ज़रूर लिखिएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी, सब्सक्राइब करना ना भूलें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए जायके के साथ।